Since last 32 years, road safety week, National Road Safety Week. था ये कि थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में हो जाए, लोग रोड सेफ्टी नॉर्म्स को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने लगे और हमारी सड़कें सेफ हो जाए। मोटो यही है पिछले 32 ईयर से। फिर कुछ साल पहले ब्राजील में यूएन गोल्स, जो उसमें एक गोल बना के रोड को कैसे सेफ बना, सिग्नेटरी कंट्रीज को साइन का डिक्लेरेशन कि हम ऐसे ऐसे कुछ स्टेप्स लेंगे हर एक कंट्री में ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाए। सिग्नेटरी कंट्री उसमें एक हमारी कंट्री, हम नया क्या उसमें कर रहे, जैसे कहीं पे सीसीटीवी लगे हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल लगी है, लेकिन ये तो ट्रैफिक सिग्नल तो हमारे लिए हमारी सोसाइटी में इनोवेशन है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत पुराना हो गया है। उसके बाद जब हम उसको करेंगे मार्किंग होगी, नॉट टुडे, मे बी इन अ कपल ऑफ डेज, उसके बाद आपको जब वैलिडिटी फंक्शन होगा हमारा इस मंथ का, आप सबको हम बुलाएंगे मेरी सेक्रेटरेट, वहाँ पे एक फंक्शन होगी वैलिडिटी फंक्शन, वहाँ पे आपको सबको एक सर्टिफिकेट मिलेगी कि यू पार्टिसिपेटेड इन दिस से कॉम्पिटिशन, और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड होंगे उनको कुछ मूवमेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव द टॉपिक्स एंड वी कैन स्टार्ट। अच्छा टॉपिक फर्स्ट वन वाज मंथ इज इन प्रोग्रेस सिंस 18th ऑफ प्रीवियस मंथ। तो इसमें जो जैसे कि मैंने स्पीच में कहा कि बिहेवियर चेंज करना है रोड यूजर्स का, ड्राइवर्स का, वो इसलिए क्योंकि अवेयर लोग पहले से ही हैं, पीपल आर अवेयर अबाउट रोड सेफ्टी नॉर्म्स, ट्रैफिक रूल्स, लेकिन मसला प्रॉब्लम बिहेवियर की है कि मतलब पीपल आर नॉट फॉलोइंग दोस, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दोस रोड सेफ्टी नॉर्म्स। So that's the reason we have been, our focus is on youth, on students. We have been carrying out different road safety activities, programs since last 15-20 days. Aaj bhi jo aise competition hai, isme students participate kar rahe. Because as I said, it's the mindset. What they think about road safety norms and other norms and its implementation, that will be inculcated in tomorrow's generation. Do you think by them some change will bring about? Sure, because they are the youth is the future of our society. ये क्या सोचते हैं और ये इसके implement करते हैं और उनके क्या thoughts हैं, यही कल की generation ये imbibe करेगी और ultimately what our youth thinks about it, they try to inculcate in future generations and that is how a society evolves. और ये process है, जैसे कि मैंने कहा road behavior change करना, that means it's a process. तो इसमें time लगेगा, time that's probably the reason we have been celebrating a month for the first time. Otherwise we used to celebrate road safety week, but this time we are celebrating a road safety month. ये इसीलिए क्योंकि एक प्रोसेस है, हम इनको बार बार अवेयर करते जाएंगे एक दिन दो दिन, as I said in my speech as well. तो slowly and steadily a change will be there. आपको लग रहा है कि मतलब ड्राइवर्स को एजुकेट करना है, सभी रोड यूजर्स को एजुकेट करना है। अब हम वो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, पिछले 10-20 दिन से हमारी वो एक्टिविटीज़ भी चल रही है। यूथ स्टूडेंट्स को हम इसलिए रोप इन कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर फिर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फिर कल जाके जब फ्यूचर जनरेशन वैसे तैयार हो जाए, क्योंकि मंथ है, अगर आज 2% लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इससे, कल जाके 10%, फिर 20%, दैट इज हाउ वी विल इवॉल्व। इट विल टेक टाइम, मे बी इट विल टेक year, 2 years, 3 years, 4 years, but there will be a change, inshallah.